मैं जस्ट अभी कृष्णा की नई फोटो पर वीडियो बना के हटाई था, तो उसके 5 मिनट बाद एमवे बंडाई अपनी नई पिक ड्रॉप करते हैं और उस पिक का कैप्शन पढ़ के आप भी हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस पिक का कैप्शन, जो कि भाई ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। बाप स्टोरी में बेटा पोस्ट में, पटेली जाएगी नहीं चुसंबा लो। यहाँ पे बाप वर्ड को रेफर करा गया रफ्तार से और बेटे वर्ड को करा गया भाई कृष्णा से, आप सबको पता ही होगा। एमवे बंडाई ने ये पोस्ट डाली कृष्णा की पोस्ट आने के बाद में, तो उसका रिप्लाई ये है। एमवे बंडाई तो तैयार बैठे हैं रिप्लाई देने के लिए, अगर कृष्णा भाई डिस करते हैं उन्हें तो आप पोस्ट से देख सकते हो वो लगातार भाई रिप्लाई देते जा रहे हैं कृष्णा का। तो इसके बाद वो एक स्टोरी डालते हैं और स्टोरी में वो कुछ ऐसा लिखते हैं, दिस डबल वी एस रिंग्स ऑन माई मिडल फिंगर्स वर्थ मोर देन यूर वूल स्क्वाड बिचेस, ऐसा ही कुछ है। अगर भाई मैंने गलत पढ़ा हो तो माफ कर देना। सो भाई एमवे कहना चाहते हैं कि जो ये मेरी रिंग है दोनों उंगलियों में, ये भाई तुम्हारे मतलब जितना भी स्क्वाड है तुम्हारा कलमकार का, उससे भी ज्यादा है। वैसे भाई ये बात तो किसी को भी हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि रफ्तार भाई के पास इतनी सारी चीजें हैं, अगर वो गिराने पे आ जाएंगे ना भाई तो पूछो मत भाई क्या से क्या हो जाएगा। अगर भाई आप चाहते हो कि मैं बताऊं रफ्तार के पास क्या क्या चीजें हैं, तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट भाई मैं खुद नहीं चाहता किसी आर्टिस्ट को मतलब कंपेयर करूं या पैसे वैसे से या लेबल से। भाई आर्टिस्ट को खुद होना चाहिए कि मतलब वो अपनी आर्ट से मतलब आगे निकले, अपने मतलब काम से आगे निकले, ना कि भाई ये सब चीजें दिखा के, रिंग चैन शूज ये सब चीजें दिखा के। और इस वीडियो के बाद भाई ये जज मत करना कि मैं एमवे को हेट करता हूँ या फिर किसी भी आर्टिस्ट को हेट करता हूँ, क्योंकि मैं एमवे के इतने गाने सुनता हूँ, इतने तो मैंने रफ्तार कृष्णा और किसी भी आर्टिस्ट एमसी स्टैन के भी इतने गाने नहीं सुने होंगे जितने मैं एमवे बंटाई के सुनता हूँ। तो भाई सबकी रिस्पेक्ट है दिल से। तो इस वीडियो में बस बताने का मन कर रहा था तो मैंने बता दिया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर नीचे कमेंट करके बता देना।